हम पहुंचे हैं यहाँ के एक मॉल में, बट यहाँ मॉल में आकर मॉल वाली फीलिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। हेलो गाइज, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में कुछ सामान और बैग। मैंने आपको बोला था कि ये जो ब्लॉग है ये नेक्स्ट डे भी कंटिन्यू रहेगा, तो आज है वो नेक्स्ट डे और हम करने जा रहे हैं इसको कंटिन्यू। तो आज प्लान क्या है कि चलो कहीं चलते हैं बाहर और एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा यहाँ के आसपास के प्लेसेस। तो बस वही रेडी हुए निकलने के लिए, तो अभी गाड़ी में बैठ के देखते हैं कि कहाँ जा रहे हैं। तब तक करते हैं घर को लॉक और निकलते हैं। तो मैंने लिया है अपने हाथ में कुछ सामान, जिसमें कि मैंने लिए हैं बिस्किट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स। गाड़ी में लगाते हैं फाइनली आज वो सीट, इतने दिन से वो सीट बाहर ही रखी हुई थी। बहुत सारे प्लेसेस गूगल किए थे तो वहां पर मुझे एक प्लेस दिखा जो कि दिखता है प्रॉपर एक इंडियन मार्केट की तरह, यानी हमारे जो लोकल मार्केट होते हैं इंडियन में वो कुछ उस तरीके का दिखता है। तो दिक्कत देखकर बहुत अच्छा लगा, तो सोचा कि चलो क्यों ना वहीं चला जाए, वहीं पर एक्सप्लोर किया जाए। पहुंच गए हम अपनी लोकेशन पे फ्ली मार्केट प्लेस, बट ऐसा फील हो रहा है कि ये बंद है तो हम लोगों का पॉपअप ना हो जाए यहाँ आकर। Is it closed today? Yeah, we're gonna be closed. तो हम लोग जस्ट यूटर्न लेकर वापस आ गए और डिसाइड किया कि अब किसी और लोकेशन पे चलते हैं। तो पता चला कि यहाँ पर एक गार्डन है जहाँ पर रोजेस की वैरायटी है, मतलब आपको वैरायटी ऑफ रोजेस देखने के लिए मिलेंगे। तो प्लान कर रहे हैं कि चलो वहाँ चलते हैं और उस गार्डन को देखते हैं। फाइनली गाइस पहुंच गए हम अपनी लोकेशन पे। धूप बहुत तेज है लेकिन हवा इतनी अच्छी है कि बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और इधर पीछे है मेरी वो लोकेशन, अभी चलते हैं उधर। अभी गाड़ी थोड़ा अच्छे से वार करते हैं। उसको लग रही है ठंड। बोल रही है धुप्पू धुप्पू में चलो। क्या हुआ? ठंड लग रही है। अमेरिकन बेस्ट रोज गार्डन, तो चलो चलते हैं अंदर और सी हर एक्साइटमेंट। आप देखेंगे ये पूरा एरिया जो है सिर्फ रोजेस से है। और बात करें कलर्स की तो आई थिंक सो हर कलर के रोजेस यहाँ अवेलेबल हैं। बहुत ही सुंदर है। Say hi. में लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने आते हैं और हमें पता नहीं था। ऐसे भी हम लोगों का प्लान नहीं था कि हम लोग यहाँ आएंगे, अदरवाइज हम लोग भी खाने का स्टफ लेकर आते। बट आपने देखा ही था कि मैं थोड़ा बहुत तो कुछ लेकर आई हूँ। तो जस्ट गए हैं गाड़ी से वो सामान निकालने और उसके बाद हम भी बैठते हैं इन फूलों के बीच में और थोड़ा सा स्नैक्स इंजॉय करते हैं। जो को साथ में लाकर बहुत मुश्किल होता है, कहीं भी भाग जाते हैं। तो फाइनली थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद अब हम लोग निकलते हैं और करते हैं कुछ लंच। आसपास में कुछ इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं तो जाते हैं वहाँ और करते हैं अपना लंच। टाइम हो गया था, सोचा था इंडियन रेस्टोरेंट जाएंगे कुछ लंच करने, बट अनफॉर्चुनेटली रेस्टोरेंट ढूंढते ढूंढते हम पहुँचे हैं यहाँ के एक मॉल में। बट यहाँ मॉल में आकर मॉल वाली फीलिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको जस्ट एक छोटा सा व्यू देती हूँ, फिर कभी और आएंगे एक्सप्लोर करने, क्योंकि अभी लगी है बहुत तेज भूख। लंच हो गया है डन और अब निकलते हैं घर की तरफ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। नेक्स्ट वीकेंड फिर ट्राई करेंगे किसी और लोकेशन में जाने का। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग नेक्स्ट क्या देखना चाहते हैं। आप यहाँ के बीचेस देखना चाहते हैं या आईकेआ स्टोर देखना चाहते हैं या फिर वो लोकल मार्केट देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट में एक बार सजेशन जरूर दीजिएगा अगले व्लॉग में। और अभी अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर लगाएं। बाय बाय।